सिंधिया ने विजयादशमी पर राजसी परंपरा को निभाते हुए गोरखी स्थित देवघर में पूजा अर्चना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाही लिबास में अपने पुत्र राजकुमार महाआर्यन सिंधिया के साथ गोरखी देवघर पहुंचे। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के लिए इसका एक विशेष महत्व है। दशहरे की सिंधिया राजवंश की यह परंपरा 200 वर्ष प्राचीन है, जिसे 1811 में दौलत राव सिंधिया ने शुरू किया था। सिंधिया राजघराने के मुखिया विजयादशमी पर ग्वालियर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर वे अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। इस बार भी सिंधिया राजघराने के मुखिया और देश के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परंपरागत शाही लिबास में गोरखी स्थित देवघर पहुंचकर परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। Thank you.
भैया 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 राजा भगवान ईश्वर
सिंधिया परिवार के मुखिया महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सुपुत्र राजकुमार महा आर्यमन के साथ राष्ट्रीय गद्दी पर तलवार लेकर बैठे और राज परिवार के ध्वज के साथ शस्त्र पूजन किया। पूजा के दौरान सिंधिया और उन राजकुमार दोनों ही कोरोना की वजह से मास्क के साथ दिखाई दिए। रास्ता बनाओ, रास्ता रास्ता दे भैया।